नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की हम बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा है कि तीन संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो तीसरी संख्या क्या है। उसने कहा है कि तीन संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है, 28 है। ठीक है, तो हमें दिया गया है कि इनका एवरेज कितना है, 28। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन उसने कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी। अब दूसरी संख्या की आधी है तो हम दूसरी संख्या को 2x मान लेते हैं, तो पहली संख्या आधी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, दूसरी संख्या 2x तो पहली संख्या x, क्योंकि क्या है, आधी, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, तो तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 4x हो जाएगी। ठीक है, तीन संख्या निकल आई, हमने बीच वाली संख्या को 2x माना, तो पहली संख्या इसकी क्या थी, आधी थी, तो आधी निकल आई। उसके बाद तीसरी संख्या थी वह दूसरी संख्या की दोगुनी थी, इसको 4x मान लिया। अब इसका एवरेज कैसे निकलेगा, तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे और तीन का भाग लगा देंगे तो इसका एवरेज निकल आएगा, और एवरेज कितना है, एवरेज है 28। ठीक है, तो 4 और 2 6 और 1 7, यहां से हो जाएगा 7x/3=28। उधर भेज देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 28/3/7। 7 से काटेंगे, 7 का 4 बार जाएगा, तो x बराबर 4/3, यानी x बराबर क्या आएगा, 12। ठीक है, x की वैल्यू हमें 12 निकल आई, लेकिन उसने हमसे पूछा क्या था कि तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या क्या थी हमारी, 4x थी, तो 4x बराबर 4×12 = 48। तो तीसरी संख्या निकल के क्या आई, तीसरी संख्या निकल के हमारी आई 48। ठीक है, तो बड़े ही सिंपल तरीके से आप यहां पर x भी मान सकते हैं, तो यहां पर x/2 हो जाएगा, यहां पर 2x हो जाएगा। हमने सरलता की दृष्टि से बीच वाली संख्या को 2x माना है, उसका आधा x और दोगुना 4x, तीनों को जोड़ के 3 का भाग लगा दिया, सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू मिल गई। तीसरी संख्या पूछी थी तो हमने 4x में x की वैल्यू रख के तीसरी संख्या हमारी 48 आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।